नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनि देव को बहुत जगह पे हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ में पितृ शत्रु भी माना जाता है। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है, जबकि इतना मानने की जरूरत नहीं है, इतने बुरे नहीं होते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष भी उसे दुख देने वाला मानते हैं। एक्चुअली में शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वो शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है, जिनके महत्व को आप इजीली समझ सकते हो। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर सिर्फ सूर्य ग्रह की अच्छी स्थिति हो तो उसका जो जीवन है वो राजाओं जैसा होता है। तो सूर्य को तो राजा का स्थान है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्यपुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा बताया गया है। सॉरी ग्रह राजो महाबला। अब सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया भाई, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। जिस पर शिव जी की महिमा बरसने लगे उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि प्राचीन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन भक्ति और तपस्या कर नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति की थी। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविकता समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। शनि ग्रह वैदुर्य रत्न अथवा बाण फूल या अलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होते हैं तो उस समय प्रजा के लिए शुभ फल देते हैं और अन्य वर्णों को प्रकाश देते हैं, तो उच्च वर्णों को समाप्त करता है, ऐसा ऋषि महात्मा कहते हैं। इस कारण शनि को पितृ शत्रु भी माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य के द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ, और जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी मग्न थी, इतनी ध्यान मग्न थी कि उसे अपने खाने पीने की भी सूध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव गर्भाधान हेतु ही अपनी पत्नी छाया के पास गए थे, और चूंकि सूर्यदेव के प्रचंड तेज की कोई सीमा नहीं है, अतः छाया के पास पहुंचे तो छाया उनके तेज से घबरा गई और उन्होंने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली। वक्त बीता और छाया ने फिर शनिदेव को जन्म दिया था। तो ये भी मान्यता है कि जब शनिदेव पैदा हुए तो उनका श्याम वर्ण, जिसे देख सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपनी पत्नी छाया पर भी गलत आरोप लगा दिए। तो माना जाता है कि यही कारण है जिसके चलते शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। अब हम जो सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान की बात करते हैं, तो शनिदेव ने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि युगों युगों से मेरी माँ को मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ा है, अतः मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य बने। उनकी इच्छा सुन भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका ही होगा, और साथ ही पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी आप ही होंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ मानव ही नहीं, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से थर थर कांपेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं और उनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। और ऐसे देखा जाए तो शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करते हैं, आप बस
कर्म अच्छे कीजिए, फल हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो भाई इस तरह से शनि देव जो हैं सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इवन ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धनहानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया कि मातेश्वरी इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। परम पिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा ही काम है। ऋषि अगस्त्य जब शनिदेव से प्रार्थना की थी तो उन्हें राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। तो जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया है, चाहे वो भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप बनने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र जिनके दान देने के अभिमान के कारण सपनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा और भुनी ही मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई, या फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है वो चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए शनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।